बुलेट रानी के नाम से मशहूर तमिलनाडु की राजलक्ष्मी माड़ा नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के संकल्प के साथ मदुरई से नई दिल्ली तक 21,000 किलोमीटर की बाइक यात्रा पर निकली हैं। जमशेदपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से उनका स्वागत किया गया। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी का मुखौटा लगाकर ढोल नगाड़ों के साथ राजलक्ष्मी का स्वागत किया। इस नारा को लेते हुए 12 फरवरी को तमिलनाडु में मैं इस बुलेट यात्रा को शुरू की हूँ। तमिलनाडु से दिल्ली तक 21,000 किलोमीटर 65 दिन 15 राज्यों में भ्रमण कर रही हूँ और मेरा जो ये संदेश है पूरा देशवासियों को, एक मजबूत और सक्षम भारत के लिए नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना बहुत जरूरी है और ये मेरा मानना है कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश विश्व पटल के ओर मतलब अभी प्रयाण कर रही है। जमशेदपुर के पोचका हल्दी पोखर शौर्य यात्रा समिति के 5 सदस्य पैदल ही अयोध्या के लिए रवाना हुए। अयोध्या धाम के लिए पैदल मार्च कर रहे युवाओं ने कहा कि लगभग 800 किलोमीटर दूर है अयोध्या, वो पैदल ही 800 किलोमीटर की यात्रा करेंगे जिसमें करीब एक महीने से ज्यादा का समय लगेगा। उन्होंने कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के संकल्प को लेकर वे लोग अयोध्या धाम जा रहे हैं।